शुरुआत की है बाजार ने शॉर्ट कवरिंग के चलते। हमने देखा कि तेजी आई बाजार में, सेंसेक्स 450 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा है, जबकि निफ्टी की बात करें 1% की तेजी के साथ यहां पर 10,100 के पार बंद होने में ये कामयाब रहा है। और बाजार में आइए विस्तार से बात करते हैं आज के कारोबार पर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्षदा सावंत बताएंगे आज के कारोबार के बारे में और हेमंत बताएंगे कि कल बाजार के लिए क्या अहम क्यूज है। लेकिन पहले आपके पास आते हैं हर्षदा, आज बाजार ने हफ्ते की शानदार शुरुआत तो की है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन ये बताएं हमने कहां देखा? उठा पटक नहीं, इनफैक्ट आज तेजी का ही मूव था या फिर शॉर्ट कवरिंग का ही मूव, और सरकारी बैंकों के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि इसी ने इनफैक्ट बाजार की पूरी चाल को बदला है। कैनरा बैंक 10% भागा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक जैसे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा 4-5% तक का मूव। कंज्यूमर शेयर में बाटा, टाइटन, जुबलियन फूड, एचयूएल जैसे काउंटर शामिल है जहां पर हमने देखा काफी तगड़े वॉल्यूम्स पर लोगों ने पोजिशन ली है। इंडेक्स पर अगर आप आए तो आज फाइनेंशियल्स का ही बोलबाला था। येस बैंक, यहां पर बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म करते हुए बाजार बंद होते होते, एचडीएफसी बैंक की ओर से काफी तगड़ा प्रदर्शन, जी एंटरटेनमेंट, ऑटो कंपनियों में M&M मारुति जैसे काउंटर्स भी शामिल थे। मिड कैप्स पर आए तो कैडिला हेल्थ केयर, क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर दवा को USFDA की ओर से मंजूरी मिली, ब्रोकरेजेस बुलिश है, स्टॉक 4% ऊपर। फैक्ट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, CESE और CESE में यही ट्रिगर था उस 8% की तेजी के पीछे कि जल्द ही इनका डीमर्जर प्लान लागू होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि NCLT की ओर से अप्रूवल मिल गया है और 800 रुपए के ऊपर वो दिखने लगा, तो चौतरफा एक्शन रहा है आज। बिल्कुल, लेकिन हेमंत ये बताएं कि आज तो ग्लोबल ट्रिगर्स के दम पे हमने बाजार में रौनक देखी है, लेकिन कल के लिहाज से क्या क्या लेवल्स अहम होंगे और बाजार कल कहां जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? 10,130 इन स्तर पर जो समाप्ति हुई है निफ्टी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है, 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज है। तो कल अगर अमेरिका के बाजारों में तेजी इतनी हुई जितनी आज भारतीय बाजारों को पता थी, करीब 280-290 पॉइंट की, तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुई तो शॉर्ट कवरिंग मूव और ऊपर ले जा सकता है बाजारों को, क्योंकि परसों देखिए इस सीरीज की एक्सपायरी भी है। जी हाँ, इस बार बृहस्पतिवार को नहीं, बुधवार को ही एक्सपायरी है, क्योंकि बृहस्पत और शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। और आज का दिन इसीलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे ही ग्लोबल बाजारों के से संकेत अच्छे मिलने लगे, ये खबरें आने लगी कि अमेरिका में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, चाइना को लेकर ट्रेड वॉर ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 30 दिन के अंदर अंदर इसका रेजोल्यूशन निकल कर आ जाएगा, इसलिए देखिए शॉर्ट्स जो है वो कवर होते हुए नजर आए और उसके चलते शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली भारतीय बाजारों में। इसका फायदा दरअसल प्राइमरी मार्केट को भी मिलने वाला है, बंधन बैंक का जो IPO है जिसको अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिला था, और कंफ्यूजिंग मार्केट में देखिए अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, उसकी लिस्टिंग भी कल शानदार नोट पर हो सकती है, 35-50 रुपए तक का प्रीमियम इश्यू प्राइस पर मिलता हुआ नजर आ सकता है, तो इस पर रहेगी कल फिर नजर, तो लिस्टिंग और शेयर बाजार दोनों पर रहेगी कल नजर। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। और विस्तार से बाजार के आज की चाल पे बात करते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गुड इवनिंग गौरांग, स्वागत है आपका। बाजार ने हफ्ते की शानदार शुरुआत तो की है, लेकिन जैसे कि ट्रिगर्स गिनाए हेमंत ने, आपकी क्या राय होगी बाजार की दशा और दिशा अब यहां से कहां जाती हुई दिखाई दे रही है? दशा और दिशा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उठा पटक वाला बाजार हो सकता है, क्योंकि यह हफ्ता काफी छोटा है, कल और परसों 2 दिन कामकाज होगा, गुरु शुक्रवार को बाजार बंद रहेगा और FNO की एक्सपायरी जैसे हेमंत जी जिक्र कर रहे थे बुधवार को होगी, उस लिहाज से मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी और उठा पटक ज्यादा हो सकती है। और अगर संकेत बेहतरीन आए और शॉर्ट कवरिंग के आधार पर अगर हमने और भी ऊपर के तरफ के फैसले तय किए तो शायद ऊपर के तरफ का बाजार देखने मिल सकता है, लेकिन मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं इस हफ्ते से। मुझे आने वाला हफ्ता जो है अप्रैल का वो काफी रोमांचक लग रहा है, क्योंकि चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएगा 8 अप्रैल से, और वहां पर मुझे लग रहा है कि एक निर्णायक तरीके से दिशा मिलेगी, क्योंकि मैं उम्मीद रख रहा हूं कि चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे तीसरी तिमाही से थोड़े बेहतर हो सकते हैं। कोई खास चेकलिस्ट आपकी तिमाही नतीजों के लिहाज से जिस पर नजर रखनी चाहिए हमें? तो तिमाही नतीजों के हिसाब से बेहतरीन नतीजे मुझे लग रहा है FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसके साथ साथ ऑटोज के नतीजे अच्छे आ सकते हैं, कुछ चुनिंदा निजी बैंक्स के नतीजे आ सकते हैं अच्छे, सरकारी बैंकों के नतीजे थोड़े खराब आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा कांड PNB का उभर करके आया है उसके कारण कुछ दबाव रह सकता है। मेटल और सीमेंट यानी कि धातु और सीमेंट, ये दो अन्य क्षेत्र हैं,
जहां पर मैं उम्मीद रखा हूं कि नतीजे बेहतर आ सके। आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम न्यूज पे आपकी राय लेंगे। कल बंधन बैंक की लिस्टिंग है और इशू हमने देखा कि लगभग 14.5 गुना भरा था और प्राइस बैंड 370 से 375 रुपए का था। आपकी कुछ राय इस पर? देखिए, लिस्टिंग पर तो हम कोई राय देते नहीं है कविता, लेकिन एज अ आईपीओ नोट लंबी अवधि के नजरिए से हमने निवेश की कवायद की थी, लेकिन मूल्यांकन को लेकर के थोड़ा महंगा लग रहा था। लेकिन ये जो कवायद थी सब्सक्राइब करने के लिए, निवेश करने के लिए, वो लंबी अवधि के लिए थी। छोटी या मध्यम अवधि के लिए हम राय नहीं देते हैं। और हो सकता है जैसे हेमंत जिक्र कर रहे, थोड़ा बहुत प्रीमियम पे लिस्टिंग हो, देखना जरूरी होगा कि टिकता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं और एयरलाइंस कंपनियों के लिए यहां खुशखबरी है। उनके लिए अब विदेशों में पैसा जुटाना आसान होगा। विमानन मंत्रालय ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी की पाबंदी हटाने की सिफारिश कर दी है। गौरांग, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा पॉजिटिव देखते हैं आप इसको? आई थिंक जिस तरीके से हवाई जहाज का अधिग्रहण करें सभी कंपनियां, तो जाहिर है उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ को लेकर के खर्च ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर के तरफ दाम जाते हैं और कच्चा तेल भी उबाल पर है, $70 के पार गया है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर नहीं टिकेगा। केवल एकमात्र कंपनी हमें उड़ान क्षेत्र में पसंद है, वो इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो। लेमन ट्री की आईपीओ पे आपकी कोई खास राय? इस सेक्टर हमें ज्यादा रोमांचक नहीं लगा है कविता, और नतीजों के आधार पर जो ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटीज है वहां पर से एक रुझान जो है वो समय समय पर आता है, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और आईपीओ नोट नहीं निकाली है तो कवायद नहीं कर सकते हैं लेमन ट्री को। ओके, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ने वित्त वर्ष 2019 के लिए लगभग 6.42 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा है गौरांग, और साथ ही कहा है कि सरकार पहली छमाही में 2.88 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसे कैसे पढ़ा जाए? आई थिंक गवर्नमेंट बोरोइंग जिस तरीके से जो भी योजनाएं सरकार ने निकाली और वित्त मंत्री साहब ने बजट में ऐलान किया है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि आने वाले समय में सरकार को रकम जुटाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये किस माध्यम से होता है और कब होता है ये देखना जरूरी होगा, लेकिन एक है तो थोड़ी लिक्विडिटी को लेकर के गुंजाइश है। अगर थोड़े अंतराल में करते हैं और लिक्विडिटी महफूज हो जाती है तो मेरे ख्याल से ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पर आपकी राय लेंगे। गौरांग, ये बताएं कि दिलीप बिटकॉइन को तेलंगाना में 4110 करोड़ का 4 रोड प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर मिला है, इसे हम कितना बड़ा बूस्टर देख सकते हैं? मैं ये मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सरकार की तरफ से और भी बहुत बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे जिस तरीके से योजना बनाई है। दिलीप बिटकॉइन, अशोका बिटकॉइन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्रा, एलएनटी, क्योंकि इनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है, ये सभी कंपनियां हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ऑर्डर के आधार पर बहुत अच्छा ऑर्डर बुक होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कविता, कौन सी कंपनी उस ऑर्डर बुक को सक्षम रूप में जमीनी स्तर पर अमल में ला सकती है। तो ऑर्डर तो आते रहेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज देखना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर साथ ही अगर हम पीएफसी की बात करें तो पीएफसी ने FY19 में सिक्योरिटी के जरिए 57,000 करोड़ जुटाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। पावर सेक्टर पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ये और जी एक नोट हमने बाहर निकाली है, ये जो तीव्र गिरावट हमने देखी है हमें लगता है कि निवेश लायक रणनीति है, लेकिन ये जो समय सीमा है वो करीबन 1.5-2 साल की अगर आप रखते हैं तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इतना लंबा समय से लगता है प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए और कमर्शियलाइज यूटिलाइजेशन चालू करने। चलिए, तो पीएफसी में आपकी पॉजिटिव कवरेज है, यहाँ पर आप निवेश करने की और निवेशित रहने की सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और निफ्टी स्ट्रेटजीज की ओर रुख करते हैं, जहां पर श्रीकांत चौहान की रणनीति लेके आएंगे। खरीदारी की सलाह है 10,040 माफ कीजिए का स्टॉप लॉस 10,250 के टारगेट के साथ। राकेश बंसल खरीदारी की रणनीति आपको दे रहे हैं, टारगेट 10,220 का और 10,000 का स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही प्रकाश काबा की रणनीति यहां खरीदारी की है, 10,100 का स्टॉप लॉस 10,200 के टारगेट के लिए। टेक्निकल चार्ट्स पर हम आते हैं और स्वाति होटकर ने कॉनकॉर में बिकवाली की रणनीति दी है, 1140 का टारगेट होगा 1220 के स्टॉप लॉस के साथ। और डेरिवेटिव्स में चंदन तपाड़िया एक्साइट में आप खरीदारी की रणनीति रिकमेंड कर रहे हैं, 215 का स्टॉप लॉस 235 के टारगेट के साथ। तो ये हमारे जानकारों की राय है।
रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद गौरांग शाह की आज की वैल्यू पिक, वक्त हो गया आज की वैल्यू पिक जानने का। बताएं गौरांग आपके आज की वैल्यू पिक क्या है? तो पिछले साल ही एक नया आईपीओ आया था, एक बेहतरीन कॉर्पोरेट हाउस की तरफ से गोदरेज एग्रोवेट, और लिस्टिंग के पश्चात अच्छा रुझान रहा और हाल ही में ही ये स्टॉक करीबन 750-700 के आसपास गया और फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की तरफ आया बाजार में जिस तरीके से हमने करेक्शन देखा है। इस कंपनी के पास विभिन्न कारोबार है और उसमें से एक है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुआ कारोबार, ये क्रॉप प्रोटेक्शन पेस्टिसाइड बनाती है और इस साल कम से कम 3 से 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी है। और जिस तरीके से बिजनेस स्ट्रैटेजी रही है और जो भी मैनेजमेंट ने टिप्पणियां दी है अपने कारोबार की रणनीतियों को आगे लेके जाने के लिए, सिर्फ एक नहीं सभी वर्टिकल्स को लेकर के, हमें लग रहा है कि एक बहुत बेहतरीन मौका है एक अच्छी कंपनी में निवेश करने के लिए। और सरकार जिस तरीके से प्रोत्साहन कर रही है कृषि क्षेत्र को, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस कंपनी के जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कारोबार है उसमें बहुत शानदार रुझान आ सकता है और योगदान बैलेंस शीट पर आएगा। 830 का लक्ष्यांक हम बना करके चल रहे हैं लंबी अवधि के नजरिए से। चलिए आपके आज के वैल्यू पिक है गोदरेज एग्रोवेट, जहां पर लंबी अवधि का नजरिया आप रेकमेंड कर रहे हैं, 830 का आपका टारगेट है। साथ ही जो दिलचस्पी कंपनी ने दिखाई थी रुचि सोया को के अधिग्रहण को लेकर, क्या उसको लेकर भी कोई अपडेट और क्या वो भी आपकी वजह हो सकती है इसको वैल्यू पिक के तौर पर चुनने के लिए, क्योंकि रुचि सोया की हाल तो हम सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल से वहां पर मैनेजमेंट ने कोई विशेष रूप में टिप्पणी नहीं की है और ये देखना जरूरी होगा कि अगर ये अधिग्रहण करती है रुचि सोया का तो क्या मूल्यांकन पे कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है रुचि सोया को लेकर के क्या हुआ है। तो मेरी दिलचस्पी रहेगी कि अगर ये मन बना लेते हैं तो क्या मूल्यांकन होगा। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए और अब ब्रेक के बाद देंगे आपके तमाम सवालों का जवाब स्टॉक फटाफट में, देंगे आपके सवालों का जवाब स्टॉक फटाफट में। पहला सवाल अहमदाबाद से जिग्नेश शाह का मैं लूंगी और गौरांग इनका सवाल जीएचसीएल पर है और इन्होंने 286 के लेवल पे खरीदारी कर रखी है, ट्रेडर है निवेशक है हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल घाटे में है, क्या और रुकने की आप सलाह देंगे? माफ कीजिएगा कौन सा स्टॉक बताया आपने? जीएचसीएल। कल खरीदारी की राय है और बाजार भी नीचे आया है, ये नहीं भूलना चाहिए हमें, अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। कोई खास टारगेट की रेंज आप देंगे? आई होप के करंट भाव से कम 15-20% का इजाफा आपको देखने मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल से अधिक रखना पड़ेगा। चलिए कम से कम साल डेढ़ साल का समय आपको देना होगा। आगे बढ़ते हैं और मुंबई से दिलीप शेठ का सवाल मैं लूंगी, टाटा पावर पे सवाल पूछना चाहते हैं, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 86.50 की है और इसमें भी क्या लंबा नजरिया इन्हें अपनाना चाहिए गौरांग? बिल्कुल लंबा नजरिया रखना चाहिए और मुझे लग रहा है कि मुंद्रा यूएमपी लेकर के बहुत जल्द कुछ रेजोल्यूशन आएगा जिसको लेकर के बैलेंस शीट पर दबाव बना करके रखा है। डिफेंस में भी इनका कारोबार है तो अगर लंबी अवधि का नजरिया तो यहाँ पर भी बने रहे और करंट स्तर पर अगर ये चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी। नागपुर से पूनम राउत का सवाल मैं लूंगी, 174 की इनकी बाइंग है पीएनबी में जिसको लेकर बाकी सब चिंताजनक है, तो अब इन्हें कहाँ शिफ्ट होने की सलाह आप देंगे? देखिए जिस तरीके से माहौल रहा है काफी दबाव रहेगा चौथी तिमाही के नतीजे पर और 175 में खरीदा है, भाव करीबन 100 रुपए के आसपास, कविता 75 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है और बहुत जल्द यहाँ पर नतीजों में परिवर्तन आए ये भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है। तो अगर ये चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक, अगर सरकारी बैंक में ही निवेश करना तो दोनों में से कोई एक विकल्प ये चुन सकते हैं, अन्यथा आज यस बैंक में अच्छी रिकवरी थी निचले स्तर पर, वहां पर भी ये चाहे तो निवेश करते हैं, निजी क्षेत्र की अच्छी बैंक है यस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी बीएल पर, आदित्य गुप्ता ने 177 के भाव पे इसमें खरीदारी कर रखी है, बीएल की मैं बात कर रही हूँ। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बीएल ये एक सरकारी कंपनी है और डिफेंस क्षेत्र से बहुत बड़ा उनको ऑर्डर मिलता है, काम करने में काफी सक्षम और अगर नजरें लंबी होती गए तो मौजूदा स्तर पर ये नई खरीदारी भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं,
220 का लक्ष्यांक है, लेकिन इसके लिए नजरिया 2-2.5 साल का रखना, 2-2.5 साल का नजरिया हालांकि आपको रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और जेन इरीगेशन पे सवाल पूछना चाहते हैं विश्वजीत साहा, और 117 की इनकी खरीद है स्टॉक में। देखिए, एक स्टॉक पर हमने करीबन 60-65 रुपए से खरीदारी की कवायद की थी और लक्ष्यांक करीबन 220-225 का था, उसके ऊपर चला गया था ये स्टॉक और फिर करेक्ट हुआ, तो उछाल पर बेचे और परिवर्तन के रूप में कहीं और निवेश करना चाहते हैं और नजरिया लंबी अवधि का है तो अशोक लेलैंड या फिर एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। अशोक लेलैंड या एलएनटी फाइनेंस में आप शिफ्ट हो सकते हैं, इसमें से निकलने की सलाह आपको दी जा रही है। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, गौरांग डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कभी निवेश नहीं है लेकिन हमारे क्लाइंट्स को हम इसी तरीके से धन्यवाद अपनी राय दर्शकों को देने के